Mm-hmm. एवरी वन वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे तो ये है जी रात का टाइम और रात के टाइम कैंडल लाइट डिनर नहीं हो रहा था लाइट गई हुई थी तो लाइट की वजह से मैंने बोला चलो कैंडल्स हमारी तैयार हुई हैं तो उसको जला के मैं बैठ गई थी और वैसे तो एमरजेंसी लाइट भी है वो भी हमने घर में लगाई हुई थी लेकिन फिर ये इन पर मेरी नज़र पड़ी तो ये भी मैंने जला के देखी और बड़ी वाली भी जला के देखी और मुझे ना मैं वो हो रहा था इतनी खुशी हो रही थी कि ना इसकी लॉ माशा से बिल्कुल सही हो गई और ये देर तक जलती रही जलती रही जब तक लाइट नहीं आई मैंने इसको जलने दिया और ये एज इट इज़ ऐसी की ऐसी रही तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र कैंडल कैंडल्स एक तरह से जली तो सही तरीके से जली तो सही अच्छा खैर लाइट गई थी तो मुश्किल से कितनी देर में आधे पौने घंटे में आ भी गई थी शायद वैसे हमारे घर घर की तरफ लाइट जाती नहीं है क्योंकि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जनरेटर नहीं है आपके पास यूपीएस नहीं है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जाती ही नहीं है लाइट रेगुलर बेसिस पे जाए तो फिर इंसान इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करके रखता है तो खैर अच्छा, लाइट आ चुकी थी और उसके बाद ये कह सकते हैं ये है लेट नाइट क्योंकि मैं और अब ये बैठे हुए थे मतलब इसी के आगे बैठे हुए थे और थोड़ा बहुत काम कर रहे थे तो आप लोगों को पता नहीं हमारी मनचिंग वाला टाइम होता है तो ना हम रहमत सीढ़ी से लेकर आए थे इनकी चिप्स बहुत मज़ेदार है और ना इनका बारबी फ्लेवर अगर आप लोगों को जाना हो तो इनका वाला बारबेक्यू फ्लेवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत बहुत मज़ेदार है और जिनको सिर्फ सॉल्ट वाली पसंद आती है ना तो वो सॉल्ट वाली भी ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छी लगती है खैर इनकी ना एक, एक्चुअली ना इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्वालिटी अच्छी है और जो तो रेगुलर वाली जब हम बाज़ार से लेते हैं ना उससे बेटर क्वालिटी है तो वो जायका भी अच्छा है तो अच्छी लगती है हम लोगों को अच्छा जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह का नाश्ता बन रहा है तो मैं ऑमलेट बना रही थी साथ साथ थोड़ी सी तैयारियां हो रही थी तैयारियां ऐसे हो रही थी जैसे छोले वग़ैरह उबल रहे थे और थोड़ा बहुत हमें ना काम छोले वग़ैरह नहीं सिर्फ छोले ही उबल <laughs> रहे थे <laughs> क्योंकि चने बनने थे शाम में और आज की इस क्या कहते हैं ब्लॉग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी बहुत सारी रेसिपीज़ बहुत सारी तीन चार रेसिपीज़ हैंगी जो कि हमने बजट फ्रेंडली हाईटी रेसिपीज बनाई हैं जो कि आप आराम से ना घर के ही सामान से हाईटी किस तरह से बना सकते हैं तो उसका तरीका आपको पता चल जाएगा जैसे अचानक से कोई आ रहा हो अचानक से नहीं मतलब तो कोई शाम की चाय पे आ रहा हो तो आप लोग घर में जो सामान रखा होता है उसी के साथ आप हाइटी बना के तैयार कर सकते हैं बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत मज़ेदार सी बहुत मज़ेदार सी ना आपको समोसे मंगाने पड़ेंगे ना रोल ना जलेबी कुछ भी नहीं बनाना नहीं मंगाना पड़ेगा फिर भी आपकी हाईटी बहुत मज़ेदार सी हो जाएगी और किस तरह से होगी वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे तो खैर हमारा ना नाश्ता हो गया था नाश्ता करने के बाद एज़ यूजल जो होता है पहले किचन समेटा थोड़ा बहुत काम किया कि समेट लें उसके बाद फिर हम बिखेरना स्टार्ट करेंगे ऐसे ही होता है पहले समेटते हैं फिर बिखेरते हैं फिर उसके बाद दोबारा समेट लेते हैं तो खैर यहाँ पे हो रही थी सफ़ाई और ना अपिया निकाल रही थी जल्दी से ना इंग्रेडिएंट्स निकाल रही थी केक के क्योंकि अपिया ना हाई टी के लिए ना केक भी बनाने वाली थी पहले इरादा था प्लेन केक बनाएंगी फिर अपिया ने बोला नहीं ना मैं फ्रूट केक बना लूँगी जिसके अंदर अशर्फियाँ भी जाती हैं और बादाम वगैरह भी जाते हैं ना तो मज़ेदार से ना फ्रूट केक बना लूँगी उससे पहले जब हम लोग नाश्ता करके फारिग ही हुए थे तो अपिया ने माश की आ माश की दाल का आटा उसे डिज़ोल्व करके रख दिया था मतलब उसे ना पानी में घोल के मैंने रख दिया था था ही घोल के रखा था। और उसके बाद उसको आधा घंटा मैं हमेशा रेस्ट देती हूँ तैयार होते हैं तो यहाँ पर माच की दाल के दही बड़े बन रहे थे आप लोग चाहें तो बेसन की भी बना सकते हैं या मूंग की दाल की भी बना सकते हैं मेरे पास ये आटा था बता रही हूँ मेरे पास आटा था तो मैंने वो इस्तेमाल करा आप लोग चाहें तो दाल को भिगो के पीस लीजिएगा और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा मतलब पीस लेंगे तो उसके बाद जब पेस्ट है ना आपने क्या करना है उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है हाथ से फेंट लें यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही थी बेसिकली इसका जो बैटर होता है ना उसको फ्लफ़ी करना होता है हमने ना बहुत अच्छे से ना और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा ऐड किया था आप गुड पिंच ऑफ सोडा था मतलब आप कह लें डेढ़ चुटकी के बराबर का सोडा था इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था अब ये देखिए फ्लफ़ी हो गया उसको आप इस तरह से फिंगर पर लेंगे ना तो वो गिरेगा नहीं ड्रिप नहीं होगा इतना फ्लफ़ी हो चुका है इसका जो बैटर है ना तो इसका मतलब ये रेडिय नहीं तो आप पानी वाला टेस्ट भी कर सकते हैं पानी में एक बुन डाल के देखें अगर वो फ्लोड होने लगे तो का मतलब है आपका जो बैटर है बहुत अच्छे से फिट चुका है अब उसके बाद मैं बना रही थी वो बंसरोट वाले दही बड़े बना रही थी तो मैंने छोटी छोटी सी फुल्किया बनाई मुझे यही यही वाले वाले अच्छे लगते हैं ज्यादा ना घर घर पसंद आते में सा, अच्छा ने कह दिया था वो ना बेसन वाले नहीं बनाना अबू ने भी यही बोल दिया था कि ना वो बंसरोट वाले बनाना क्योंकि उसका जायका हमें ज्यादा पसंद है और माश की दाल में तो होते ही बहुत जबरदस्त वाले बन के तैयार होते हैं खैर आप ही इसको फ्राई करने लगी थी और बस ये जैसे जैसे ये कलर आना स्टार्ट होगा आप ये इसे मिक्स करते करते फ्राई करेंगी ताकि अच्छी तरीके से ये, ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और अंदर तक सिक जाए क्योंकि ना अगर अंदर तक नहीं सीखते तो अंदर गुठली रह जाती है नहीं अंदर उसका जाल नहीं बनता अच्छे हाँ। से और वो ना वो स्पॉन्जीनस नहीं आती है अगर आप बहुत तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे तो तरीक़ेकार ये है आपने थोड़ा इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है और ये हल्के हल्के फ्राई हों तो ज़्यादा बेहतर है ताकि अंदर तक वो अच्छे से पक जाए वैसे इतने छोटे साइज़ के होते हैं पक जाते हैं मिस्टेक होती नहीं है लेकिन अगर जो लोग बहुत जल्दी में काम करते हैं तो थोड़ा सब रख के काम करें अच्छे बन जाएंगे <laughs> अच्छा खैर यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया निकाल के अब मैं इसको ट्रे में रख दूंगी और ये मैं बना रही थी तकरीबन एक पाव डाल के तो फिर ये था कि मैं थोड़े से बचा लूंगी सब नहीं भी हूँगी वो बहुत सारे हो जाते हैं सही बड़े ना मतलब हमारे घर में वैसे मैं जब बनाती हूँ तो सारे ही बना लेती क्योंकि दूसरे दिन तक भी और तीसरे दिन तक भी अगर रखे हुए ना फ्रिज में तो खाते रहते हैं हमारी है ना मतलब सुबह नाश्ते <laughs> के टाइम पे भी खा लिए चाट से कौन खान में, खाने में भी खा लिए इस तरह होता है वही चाट से कौन मना कर सकते है और आपको जब पता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और आपको सही दिख रहा है अच्छी शक्ल में चीज दिख रही है तो आप चाट से मना कर ही नहीं सकते और दही बड़े तो बिल्कुल भी बनाई नहीं कर सकते अच्छा खैर अपिया ने इसमें से थोड़े भिगो दिए, थोड़े से बचाए थे मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ सिंपल सा ही बनाना था अच्छा हमको ना बहुत हैवी वाला सीन नहीं करना था क्योंकि कजन आ रही थी हमें पता था इतना हैवी वाला सीन भी अगर कुछ हम बहुत हैवी बना लेंगे ना तो फिर उनसे खाया जाएगा नहीं तो आपको पता उधर आपके घर में किस तरह के मेहमान आ रहे हैं उसी हिसाब से चीजें बनानी चाहिए मेरा ऐसा मानना है तो हम उसी तरीके से बनाते हैं अच्छा खैर यहाँ पर मैं सिंपल कस्टर्ड बना रही थी मतलब कस्टर्ड ट्राइफल वो भी सिंपल वाला जिसके अंदर कोई फ्रूट कुछ भी नहीं जाएगा तो इधर मैंने सिर्फ आधा किलो दूध लिया था दो कप के बराबर और उसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी थी सिक्स टेबल स्पून के बराबर और उसमें मैंने ना मैंगो कस्टर्ड ले लिया था उसको घोल लिया था टू टेबल स्पून उसको वो टेबल स्पून लिया था थ्री लिया था हाँ टू टेबल स्पून हीप्ट लिया था आ, हाँ भर के भर के लिया था और उसको घोल के बस जस्ट हम ना क्या करेंगे उसके अंदर डाल देंगे आ, मतलब दूध पक जाएगा तो उसमें हम कस्टर्ड डाल के पका पालेंगली <laughs> कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी तीन ना सुपर केक ले लिए थे उसको मैं चूरा चूरा कर लूँगी और बेसिकली हम बना रहे थे ट्रैफिल शॉर्ट ग्लासेस बना रहे थे बेसिकली तो ना उसके लिए ना हमें चाहिए था केक साबुता तो डाल नहीं सकते छोटे छोटे गिलासेस में तो चूरा करके डालेंगे तो आराम से हमारी ना लेयर सेट हो जाएगी और अपिया का कस्टर्ड भी तकरीबन तैयार था और बस अपिया वो डाल रही थी फटाफट जब ये थिक हो जाएगा और अच्छा गर्मा में ही हमें सेट करना था क्योंकि अपिय को ये था कि ना इसको अगर सेट होने के बाद फिर इसमें डालेंगे तो टेक्सचर ना अच्छा नहीं लगेगा ऊपर से उबड़ा कुबड़ा मतलब लगेगा। वो ना सेट नहीं हो पाता तरीके से ना दोबारा जब हम फेटते हैं डिजर्ट वगैरह में तो ऐसा कर लेते हैं हम उसको एक बार रख देते हैं फिर उसके बाद सेट करते हैं लेकिन जब आप इस तरह से गरम गरम में डाल देते हैं ना तो उसकी लेयर बहुत अच्छी और ना उसका आ, क्या कहते हैं फिनिश लुक फिनिश लुक आता है, लुक आता है क्योंकि ऊपर हमने जेली पोर करनी थी इसके इसलिए तो सबसे पहले इसको बना के रख दिया था बेस में बस हमने थोड़ा थोड़ा सा केक ऐड कर दिया है और उसके बाद हम एक कस्टर्ड बना लेंगे मतलब कस्टर्ड डाल देंगे इसके अंदर ना इस तरह से काफ़ी सारे ग्लासेस बन के भी तैयार हो जाते हैं और ये स्मॉल सर्विंग होती है मतलब हाइटीज़ वगैरह में इसी तरह की सर्विंग की जाती है या फिर डिनर्स में भी की जाती है लेकिन अगर आपको पता है आपके मेहमान बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाते वो बहुत थोड़ा सा ही लेना पसंद करते हैं तो आप ये शॉर्ट ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं जो कि बड़ा आइडियल रहता है ये ना और दिखने में भी अच्छा लगता है प्रेजेंटेबल होता है अच्छा यहाँ पर आज ना आपको मैं एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो बेकरी वाले केक होते हैं ना आप लोग घर में कितना भी बना लें और वो मतलब रेसिपी भले उनकी वाली सेम रेसिपी हो लेकिन फिर भी वो खुशबू वो जायका नहीं निकल पाता तो आज की इस रेसिपी में आपको सीक्रेट बता रही हूँ और ये सीक्रेट बताने के बाद बहुत सारे लोग यही सीक्रेट आपको अपने नाम से बता देंगे तो मैंने पहले से बता दिया आपको हाँ, ना, तो नहीं, पकड़ लीजिएगा नहीं, नहीं पकड़ लीजिएगा और आज जो हम ये व्लॉग अपलोड कर रहे हैं ना तो इन चार दिनों में ना जल्दी जल्दी ना रेसिपीज आने वाली है चार पांच <laughs> चैनल से ज़रूर आएंगी और वो कहेंगे नहीं ऐसे राज में बताने जा रही हूँ क्योंकि आजकल ऐसे टाइटल चल रहे हैं ना ऐसे राज बताने जा रही हूँ जो किसी बेकरी वाले ने नहीं खोला सारे राज मैंने खोल दिए तो ये वाले आने वाले वो हमारी कॉपी हो जाती है अच्छा खैर आप बटर बताओ आप बताओ किसी से सीख के बता रहे हैं तो प्लीज़ अपने नाम से ना बताएं कि ये वाला जो सीक्रेट है हमने ना अपने ही नाम से बता रहे होते हैं ना इस तरह नहीं बताओ यार अच्छा खैर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मैंने लिया है 200 ग्राम बटर मक्खन लिया है इस रेसिपी को आप घी में भी बना सकते हैं तेल में मत बनाइए घी में बना लीजिएगा और उसमें मैंने ऐड कर दी दो ग्राम चीनी ठीक है उसके बाद में बाकी बताती हूँ सीक्रेट क्या है सीक्रेट होता है गेम होता है जो उसकी खुशबू होती है ना उसका गेम होता है सिर्फ एसेंस का गेम है अब इसके अंदर हमने क्या करना है एसेंस क्या डालेंगे हम लेंगे लेमन एसेंस हाफ टी स्पून के बराबर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम उसके बाद हम लेंगे रोज़ ग्रीन एसेंस यह एक बार ऐड करेंगे ना केक में आप लोग हमेशा यही यूज़ करेंगे अच्छा मुझे बहुत स्ट्रांग फ्लेवर लगता है इसका तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ उसको आपने बहुत शादर और नादिर देखा होगा मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए हाफ टी स्पून वो लिया हाफ टी स्पून मैंने ये ले, ले ये ले लिया है ये हो गया वन टी स्पून अब मैं वन टी स्पून इसमें ऐड करूंगी वेनाला एसेंस ये मेरे पास वेला फ्लेवर है मैं यही यूज़ करती हूँ तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर तो ये एक ना आपका मजेदार सा ना एसेंस का ना जो आप मिक्सचर बन के तैयार होगा मतलब जो बेकरी होती है ना उसके अंदर ना हर तरह की चीज़ बन रही होती है ना एक ही ओवन के अंदर तो उस ना एक अरोमा होता है उस बेकरी का ही एक अलग अरोमा होता है जो ओवन होता है ना उसके जो सारे फ्लेवर्स होते हैं ना और ये लोग मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं एसेंस वगैरह ना तो ये बात खैर मुझे बहुत सालों पहले से पता है लेकिन ये मैं बड़े सालों बाद बा, मतलब ये इस तरह का केक बना रही थी तो मैंने कहा चलो यार ये मैं ऐड करती हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ अच्छा ये हमने मिक्स करके रख दिया उसके अलावा हमें चाहिए बादाम तकरीबन हैंडफुल ले लिए थे बादाम मैंने आधे कप से थोड़े से कम है उतने ही मैंने लिए हैं अखरोट उनको मैंने कूट लिया है अ ली थी मैंने एक कप से थोड़ी सी कम थी शर्फियाँ वो उसको मैंने काट लिया था और उसको काटने के बाद उसके अंदर तो मैंने मैदा ऐड किया अच्छा मैदा मैंने मेजर करके रखा था इसके बाद तो इसकी सिंपल सी मेजरमेंट है चार अंडे 200 ग्राम चीनी 200 ग्राम मक्खन 200 ग्राम मैदा ये लेना है उसमें जाएगा बेकिंग पाउडर डेढ़ टी के बराबर सही है हुँ. उसको मैंने मिक्स करके रख दिया था उसी में से आपने मैदा लेना है और शर्फियों में डाल के उसको मिक्स कर लेना उससे क्या होगा शर्फियाँ बैठती नहीं है नीचे जाके और वो ना इक्वली मतलब आप जिस तरह से मिक्स करेंगे ना डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बाजू का तो ऐसा होता है ना आप जब ओवर मिक्स कर लेते हैं ना तब भी ऐसा होता है कि ना शर्फियाँ नीचे जाके बैठ जाती हैं अच्छा यहाँ पर अब मैं उसको बीटर से मिक्स कर रही थी लेकिन मक्खन थोड़ा सा हमारा जमा हुआ था तो मैंने क्या करा स्पैचुला की मदद से उसको पहले मिक्स कर लिया अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद अब मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी अच्छा यहाँ पर जोए से मैंने कहा मुझे ना टू टेबल स्पून के बराबर पाउडर मिल्क भी निकाल के दे दो और ये वाला पाउडर मिल्क आजकल हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग वगैरह में या और मतलब मिठाई वगैरह में भी यही यूज़ कर रही हूँ मैं हम्म तो खैर अपिया ने बटर को और आइसिंग शुगर को मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से अपिया जो जो लोकली मिल रही होती है ना जो पैकेट वाली आइसिंग शुगर होती है वो वाली यूज़ कर रही होती हैं वो आ, जो कौन सा वाला पैकेट होता है वो वाला सख्त वाला पैकेट डब्बे वाला नहीं यूज़ करती हाँ डब्बे वाला नहीं यूज़ करती वन के के पैकेट्स मिलते हैं लूज में जो बेकिंग का जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगे अब देखिए मक्खन को मैंने अच्छी तरीके से पेट लिया है मक्खन जब अच्छा सा थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए मक्खन और आइसिंग शुगर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है एक एक करके अंडा ऐड करना है आपने ना एक अंडा ऐड करेंगे उसके बाद चंद सेकंड के लिए आपने बस बीटर चला देना है बहुत ज्यादा ओवर बीट नहीं करते जब अंडा ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि फिर सारा मिक्सचर जो होता है ना वो क्रेडल हो जाता है ख़राब नहीं होता लेकिन कभी कबार ऐसा होता है केक जो है ना थोड़ा डेंस बन के तैयार होता है इस तरह से अगर आप करते हैं मतलब अंडा डालने के बाद ज़्यादा बीट नहीं करना है यहाँ पर दो अंडे गिर गए थे मुझसे मतलब दोनों अंडों की सफ़ैदियाँ चली गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देती हूँ अब साइडों से मैं बीच में इकट्ठा करूंगी जो बैटर था सारा साइडों पर लगा हुआ था और उसको एक बार अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे इसका मिक्सचर बनाना तो काफ़ी आसान है मतलब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है पाँच से सात मिनट में बेकिंग में जो ये वाला केक है ना तकरीबन फोर्टी मिनट्स लगते ही लगते हैं ओवन में भी और बगैर बनाएंगे तब भी अब इसके अंदर मैंने पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है साथ साथ मैंने एसेंस ऐड कर दिए जो मिक्स करके रखे थे और एक बार जरूर बनाएगा ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसका इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना बड़ी अच्छी होती है बड़ी मजेदार सी होती है केक की ना अच्छा मैंने मैदा ऐड कर दिया मैदा ऐड करने के बाद अभी मैंने बीटर ऑन नहीं किया जस्ट ऐसी हाथ से पकड़ के मिक्स करा है अब जब ये मिक्स हो जाएगा तो चंद सेकंड के लिए मैंने चलाया है और आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा चल जाएगा या इसका बैटर ख़राब हो सकता है तो मत इस्तेमाल कीजिएगा बीटर बीटर नहीं इस्तेमाल कीजिएगा बस आप इस पैचुलर की मदद से मैदे को फोल्ड कर लीजिएगा अब मैं एक और बार दोबारा से इसको मैदे को उसको ना फोल्ड कर रही हूँ कि बीच में कोई भी लम्ब्स ना रह गए हो ना तब ये अच्छे से आपका बैटर तैयार हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है अशर्फियाँ अच्छा अशरफियाँ मैंने ऊपर के लिए नहीं बचाई थी मैंने सिर्फ इसके अंदर ना ऊपर के लिए सिर्फ ये बादाम और अखरोट बचाए थे अच्छा इन दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केक्स के अंदर ना तो अगर फ्रूट केक बना रहे हैं ये मिक्स फ्रूट केक कहलाता के है बेसिकली जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी थोड़े बहुत ऐड होते हैं इसमें आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर वो भी ऐड होते हैं मतलब अशरफियाँ भी ऐड होती हैं ना तो ये ना खाने में खैर बहुत मज़ेदार बनता है खाने मजेदार लगता है बनता भी बहुत मजेदार है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है बड़े साइज का और ये तकरीबन नाइन टू टेन इंच के बराबर का मोल्ड है नाइन इंच के बराबर ये नाइन बाय नाइन इंच का, का मोल्ड है और बस अपिय नीचे ना बटर पेपर लगा लिया था हल्का सा ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था और अपियस को स्पेचुलस की मदद से स्प्रेड कर देंगे उसके बाद इसको रख देंगे 180 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए और पतीली में आप ये कितने आ, कितनी देर फोर्टी फाइव मिनट में हो जाएगा ये आराम हाँ। से अगर बहुत हल्की आंच रखी है आपने तो एक घंटा भी लग जाता है अब बहुत ज्यादा देर तक के लिए बेक करते हैं तो डोम बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है केक के अंदर ना स्लो कुकिंग में यही होता है ना बस ये वाली मिस्टेक होती है अच्छा ऊपर से मैंने ना इसके वो ऐड कर दिए थे बादाम और, और अखरोट ऐड कर दिया था उसको बेक करने के लिए रख दिया है यहाँ पर मैंने जो ये बड़े बनाए थे वो भी मेरे अच्छे से भीग गए हैं अब मैं क्या करूंगी इसको निकाल लूंगी पानी में से ठीक है तो बस आपने क्या करना है इसको निचोड़ लेना बहुत अच्छी तरीके से निचोड़िएगा क्योंकि इसमें जितना पानी होता है वो निकल जाना चाहिए आ, क्योंकि जब ये दही में जाएंगे तो फिर ये जो घूट भर, भरते हैं ना अपने अंदर वो फिर दही का घूट होता है मतलब दही होता है अगर आप पानी नहीं निकालेंगे इसके अंदर से तो, तो कट करेंगे ना तो एकदम से पानी की वो पानी बाहर आता है पानी बाहर तो वो, वो अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता और आप देख रहे हैं साइज में ये डबल हो चुके हैं और अब ये यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रही थी कि इसमें कोई भी गुठली नहीं बनी और ये बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये देखें फ्लफी जबरदस्त वाले बन तैयार हुए हैं और बस अपिया इसको अब अप सारे निचोड़ लेंगी उसके बाद अपिया क्या करेंगी इसको वो कर लेंगी दही के अंदर ऐड कर दूंगी इसको मैं न? दही के अंदर ऐड कर दूंगी पहले मैं सोची थी एक बड़ा प्याला बना लेती हूँ फिर मैंने कहा नहीं यार इसको मैं डायरेक्टली डिश में सेड करके रख देती हूँ बड़ा प्याला बनाऊंगी फिर इसको उसमें ट्रांसफर करूंगी तो बड़ा टाइम लगेगा तो ये जिसमें मैंने इसको भिगोया था ना इसी को मैंने धोया दोबारा से और उसके बाद उसे मैंने दही फेंट लिया था दही मैंने लिया था इसके लिए तीन पाव के बराबर एक पाव माश की दाल का आटा जो होता है आप जब बड़े बनाते हैं तो तकरीबन सवा किलो के बराबर दही जाता ही जाता है उसके अंदर ना क्योंकि दही बड़े जो होते हैं ज़रा उसमें दही अच्छी क्वांटिटी में जाता है अच्छा खैर तीन पाव दही लिया वन टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक और मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करी है सिक्स टेबल स्पून के बराबर क्योंकि हमारे घर में मीठे दही बड़े खाए जाते हैं और ये बनसरोट वाले मीठे ही दही बड़े होते हैं अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड करा है तकरीबन एक कप के बराबर पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि दही अगर थिक होगा तो फिर वो ना बड़े जो है ना वो अच्छी तरीके से ना उसमें सोख नहीं हो पाएंगे और ये जब हमारा कैमरा खुलता है मक्खियों को पता चल जाता सिर्फ एक ही मक्खी थी पूरे किचन में जो हमें पागल कर रही थी तो बार बार हम उसको हटा रहे थे ना एक ही मक्खी थी बाकी में इसी तरफ आई जा रही थी और हर कहीं पर नहीं जा रही थी यहीं पर उसे मंडला आना था अच्छा खैर अपिया ने फिर इसमें ऐड कर दी थी डिश में जितनी जा रही थी उतने बड़े ऐड करके अपिया ने दही ऐड कर दिया था बाकी के जो बड़े बचे थे अपिया ने दूसरे किसी बाउल में ना ऐड करके उसे रख दिया था ताकि अगर हमें

भूल जाइएगा आपने केक बनाया उसके बाद जाके देखिएगा दो घंटे बाद केक आपका अच्छे से ठंडा हो जाएगा असल में ये वाला केक ना बहुत देर से ठंडा होता है और इसको पंखे के नीचे ठंडा नहीं कीजिएगा केक आपका हार्ड हो जाएगा ऊपर से ना बहुत उसकी लेयर हार्ड हो जाती है तो फिर ना जब कट करते हैं तो लगता है कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया है केक तो अच्छा नहीं बना तो पंखे के नीचे कभी भी ठंडा नहीं करते अच्छा खैर यहाँ पे ना मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर इमली ले ली थी क्योंकि हमने चेक किया कि ना हम ना चाट बना रहे हैं चने की चाट और दही बड़े बना रहे हैं तो वो ना इमली की चटनी तो ख़त्म हुई हुई थी तो वो न इसको मैंने पहले ना इमली का जो पानी मैंने बना लिया था मतलब पल्प जो निकल के तैयार हुआ है उसमें से चार डिश के चम्मच मैंने अलग कर लिए थे बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉस पैन में और अब इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन मैंने लिया था पौना कप के बराबर मैंने ना ये वाली जो पिसी हुई गुड़ होता पिसा हुआ गुड़ होता है ना वो ऐड कर दिया बेसिकली शक्कर इसमें ऐड कर दी है इसी की हम मिठास यूज़ करेंगे और बस इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था इंस्टेंट वाला तरीका है मीठी चटनी बनाने का और इसमें फिर चीनी वगैरह या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है अच्छा ये हम मीठी चटनी बना रहे थे अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं जिस तरह के वो और ये सब चीजें जाती है ना चाट मसाला काला नमक नॉर्मल लाल मिर्चे लाल मिर्चे वगैरह ऐड कर सकते हैं हम लोग तो मीठी इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं इस वजह से मीठी ही बनाते हैं हाँ मीठी बनाते हैं तो उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और ना अपिया कुछ देर के बाद मतलब अपिया फ़्रेश होने चली गई थी इतने में मैंने बोला चलो मैं जल्दी से ना चने रेडी कर लेती हूँ तो चनों के लिए मैंने क्या कर लिया था प्याज कट कर ली थी हरा धनिया कट हो गया था टमाटर कट करने थे तो उसके बाद फिर मुझे ना चनों को जल्दी से असेंबल करके रखना था मतलब उसे मिक्स करके रखना था कि फ्लेवर उसके अंदर इनकॉपरेट हो जाए और इतने में कि मेरे ख्याल से चार बज गए थे और हमारी कजन बस आने ही वाली थी हमें आने वाली हमने तीन बजे का टाइम दिया था हाँ। हमें कि मैं तीन बजे तक आ जाऊंगी तो उस हिसाब से हमने जल्दी जल्दी से चीजें रेडी कर दी थी और फिर उन्होंने कहा था बस मैं एक डेढ़ घंटे में चली जाऊंगी मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी ना तो इसलिए हमने हाईटी बहुत सिंपल सी बना के तैयार करी थी अच्छा, अच्छा, अच्छा यहाँ पे ना अपिया ने ना आके चेक करी इमली की चटनी चट चक कर देखी तो ना अपिया को बहुत ज़्यादा खट्टी लगी तो फिर ना मैंने बोला चलो फिर ना मैं चनों में भी ना ज़्यादा इमली का पल्प नहीं एड करूंगी बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो जाएँ तो फिर क्या करा वो जो चटनी तैयार हो रही थी उसी के अंदर थोड़ा सा वो पल्प ऐड कर दिया और अपिया ने थोड़ी और मज़ीद शक्कर एड करके उसे पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो हमारी चटनी बन के तैयार हो जाए है। इतने में हमारे जो ये कस्टर्ड ट्रैफल का जो ये हमारा शॉर्ट ग्लासेस हैं तो उसके लिए अपी ने जैली को पका लिया था अब इसको हल्के हाथ से चम्मच से ही अपी ऐड कर रही हैं इसमें जैली ताकि एक प्यारी सी जबरदस्ना इस पर लिया आ जाए तो हमारी ना बड़े ज़बरदस्त से शॉर्ट ग्लासेस तैयार हो जाएंगे कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया ज़रूर बताइएगा वैसे ये काफ़ी मज़ेदार रहता है और मतलब अगर किसी की सर्विंग मतलब कम है अगर कोई कम खाना चाहता है तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल आइडियल वाली चीज़ है क्योंकि ना इसमें वेस्ट नहीं होता किसी ने भी एक गिलास उठाया तो वो प्रॉपर तो पूरा अगर दोबारा चाहिए तो वो दूसरा गिलास खा हाँ। लेगा कोई मसला नहीं है उसके अंदर लेकिन ये ना थोड़ा तो दिखने में अच्छा लगता है अच्छा खैर यहाँ पर तो इन्हें चने ले लिए थे और चने से गिरा भी दिए थे <laughs> नहीं ज्यादा गिरे नहीं थोड़े से गिरे थोड़े से दाने गिरे थे वो एकदम से जमे जमे हो रहे थे ना सुबह से बॉयल हुए हुए थे तो फिर फटाफट में धो के दोबारा फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे अच्छा साथ में ना मैंने दो से तीन आलू उबाल भी लिए थे उसे कट कर लिया था इसमें टमाटर चला जाएगा इसमें हरा धनिया चला जाएगा प्याज चली जाएगी उसके बाद मैं ऐड करूँगी लेमन जूस तकरीबन मैंने ना ऐड किया पहले मैंने एक लेमन का जूस ऐड किया था क्योंकि मुझे इमली का पल्प भी ऐड करना था और इसके अलावा मैंने आ, नमक ऐड करूँगी इसमें जाएगा चाट मसाला जो नॉर्मल वाला चाट मसाला होता है उसके अलावा मैं ऐड करूँगी वो वाला मसाला जो दही बड़ों वाला मसाला होता है जो हमारा होम मसाला होता है ना तो वो भी ऐड करूँगी तो ज़बरदस्त सी हमारी ना चना चाट बन तैयार हो जाएगी वो ठेले वाले से खैर बहुत अच्छी थी है ना बाकी में ठेले वाले से बहुत अच्छी थी और अगर आपको ठेले वाली बनानी है चाट तो फिर आप ठेले से खरीद के खा लें ज्यादा बेहतर <laughs> अक्सर मैं ना आजकल नहीं वाले बड़े टाइटस देख रही हूँ कि बाजार जैसा बाजार जैसा नहीं बाजार से अच्छा घर में बन के तैयार होता है बाजार जैसा नहीं होता और अगर आप उस लेवल का बना रहे तो उससे बेहतर है आप बाहर वाले ही मतलब ना हम तो नहीं कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना घर की चीज़ों में तो घर की चीज़ें इसलिए वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं और ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती हैं अब जैसे नहीं अगर इसी को बाज़ार वाला बनाना चाहे और इसमें हमें दही ऐड करना है तो वो दही नहीं होता बेसिकली वो कॉर्नफ्लोर पका के वो वाइट वाला कॉर्नफ्लोर पका के ही उसमें डालते हैं वो दही नहीं होता ख़ास तौर पर ठेले वाले मैं शॉप्स की बात नहीं कर रही और शॉप्स पे भी हो रहा हो रहा होता है जैसे सी बातें उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग निकालनी होती है तो आजकल महंगाई भी इतनी हो गई वो लोग भी क्या करें लेकिन ये कि घर के अंदर जब हम बना रहे होते हैं कि वो कहा जाता है ना साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से बना रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए यूज़ ना कि यार आप घर में बना रहे तो आप अच्छे तरीके से ही बनाएं जो भी चीज़ बनानी है तो तो खैर अच्छा मैंने ना चाट थोड़ी सी चक्कर देखी थी मुझे ना थोड़ा ज़रा कम लग रहा था मतलब चटक कम लग रही थी तो थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर दिया था लेमन जूस भी और मैंने ऐड कर दिया था तकरीबन दो नींबू के जूसे इसमें गए हैं और और बस अब ये हमारी तैयार है कजन आ चुकी थी तो कजन की बेटी आके मिक्स कर रही थी बोल रही थी मैं जरा मिक्स कर लेती हूँ जरा मैं भी इसमें अपना हाथ डाल लेती हूँ जायका बढ़ जाए इसमें जरा

है ना इसी तरह से हो रहा था ना यही तो हो रहा था।, था जब मैंने कट किया तो ना मैं ज़रा परेशान होने लगी मैंने बोला अपिया ये थोड़ा ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अंदाज़ा होगा और इसी ब्लॉग में आप आप लोगों को ठंडा केक भी हम कट करके दिखाएंगे तो उसका रिज़ल्ट भी दिखा देंगे कि वो जब ठंडा हो गया तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या हुआ ठीक है अच्छा इसको मैंने लूज़ कर लिया था और उसके बाद फिर इसको फटाफट से हम कट कर लेंगे हम नहीं मैं कट कर रही थी कि ना फटाफट से हम तैयारी करें मतलब टेबल लगा दें ताकि ना हमारी हाइट स्टार्ट हो सके और चाय अपी चढ़ा दी थी कज़न को जैसे ही देखा था कि कज़न आ गई हैं तो फटाफट अपिया ने चाय चढ़ा दी थी कि बस अब बैठ के ना हम बहुत सारी बातें शाते करेंगे और अपनी हाइट इंजॉय करेंगे तो आप लोगों को ये आज की हाइट ही कैसी लगी और सारे आइडियाज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताएगा वैसे पता है बाजार से हमने क्या मंगाया था सिर्फ दही मंगाया था और मेरे ख्याल से माश की दाल का आटा भी था ही घर में ना आ, माश की दाल का आटा घर में ही था और माश की दाल का आटा ना भी हो तो आप माश की दाल ले सकते हैं उसको पीस के भी बना सकते हैं इसके अलावा हमने और कुछ नहीं मंगवाया था निम्ब को भी इस इतफाक

आपके लिए अगर ख़ास हैं तो आप उनके लिए मेहनत करेंगे भी अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे मेहनत या फिर अगर आपको लगता है कि मेहनत करना फजूल है तो मत क्या करें आप बहुत सारे लोग बोलेंगे <laughs> आप बहुत ज़्यादा वो बनती है हमारे यहाँ यार बहुत सारे लोग नहीं करते तो अपनी अपनी चॉइस होती है हमारी जो चॉइस है वो हम बता रहे हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मेहमान आपके लिए ख़ास हैं तो जाहिर सी बात आप अपने हाथ से बना के और एक हर एक चीज़ उसमें एक ना मोहब्बत होती है एक एहतराम होता है एक रख रखाव वाली बात होती है और अगर आप अपने हाथ से नहीं करते जो कि बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो क्या कहते हैं वो फिर अपनी चॉइस की बात होती है क्यों और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई हम ख़रीद सकते हैं ये चीज़ तो फिर इसलिए हम ये बाजार से ही खरीद के सर्व करेंगे क्योंकि ये वाले कमेंट्स हमने सुने हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम सीख रहे होते थे तो हम हर चीज़ घर में बना रहे होते थे जब स्टार्टिंग की बात करें तो, तो हम, ये वाला ना एक तंज आया था मेरे कानों तक और बायदा कानों तकनी ऊँ पर बोला था जी हम तो ख़रीद सकते हैं ना इसलिए हमें क्या ज़रूरत है हम केक बाहर से ही मंगाते हैं हम खरीद सकते हैं तो उनको ये लगता था हम शायद ख़रीद नहीं सकते इसलिए हर चीज़ घर में बना रहे थे पता हो जरा लोगों के दिमाग ना सोचे होती हैं अलग अलग ना। लोगों की सोचों का कुछ नहीं कर सकते बोलते हैं ना वो छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे सकती तो वही वाली हरकतें होती है अच्छा खैर इतनी मेरा हमारी हाइट ही पूरी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी से तैयार हो गई थी और हमने टेबल पे भी सेट कर दी पहले मैंने यहाँ पे इसका थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया उसके बाद फिर मैंने ना जाके टेबल पे लगा दिया था और सबको बहुत बहुत अच्छी लगी साइज चीजे और लेकिन ने बहुत सिंपल भी थी और सारी चीजें ऐसी थी कि खाई गई अब हाईटी में तो मैं दस बारह चीजें भी बना के रख सकती थी लेकिन फायदा नहीं था वो खाई नहीं जाती और फिर वो वेस्ट होती मेरे लिए मतलब हमारे लिए ये होता है कि हम जो भी कोई आ रहा है तो हम ऐसी चीज बनाए की मेहमान जो है हमारे वो अच्छे से एंजॉय कर सकें और वो सारी चीजें खाई जाएं खाई जाएं क्योंकि हमारा मकसद ये होता है बनाने का कि हमारे मेहमान उसको एंजॉय करें बेसिकली ये होता है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे आप हाई टी में ये भी बना सकती थी आप वो भी यार मैं चीज़ें बना सकती थी मुझे आती भी है बनानी लेकिन बात ये वो फिर वेस्ट होती फायदा नहीं था उसका इतनी सारी चीजें बनाने फिर का फ़ायदा फिर वो हमें ही खानी पड़ती है हाँ। अगर मेहमान नहीं खाते तो ऑब्वियसली यही होता है कि फिर आपको ही और बांटते भी हैं तो कितना बांटते हैं आप एक घर में भेज देंगे दो तीन लोगों को दे देंगे और ज्यादा तो नहीं जाहिर सी बात है घर में बनती है तो फिर पेरेंट्स भी वो करते हैं ना यार इतनी ये सारी चीजें नहीं कुछ तो घर में बचा लो भाई <laughs> ये भी तो होता है ना हाँ तो खैर बस हाँ, हो रही है हाईटी हमारी इंजॉय और मैंने तो, सबने चाट बना के खाई हाँ, थी जो कि बहुत मजेदार लग रही थी तो खैर मैं मैंने भी ऐसी चाट बना के खाई दही बड़े निकाले उस पर छोले डाले फिर पापड़ी सेव नहीं था दाल मोट एड डाली हाँ दाल बीजी होती है ये मुझे ना ये नीमको के नाम जरा मैं इसमें जरा वीक हूँ इसके नाम मुझे जरा सही से याद नहीं होते अच्छा दाल बीजी ऐड करी इस पर चाट मसाला जो दही बड़ों वाला मसाला आप बना के रखा हुआ है ना बंसरोट वाला तो वो ऐड करके चटनी डाल के फिर मैंने इंजॉय किया आ हाँ हाँ ज़बरदस्त और इतने में ना हमारी चाय भी रेडी हो गई थी तो फटाफट से मैंने चाय भी निकाल ली थी और फिर सबको सर्व कर दी थी सब ने आराम से बैठ के चाय पी और खूब सारी गपशप करी जब ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कज़न वग़ैरह हो या कोई भी जानने वाला हो और उसके साथ जब गपशप स्टार्ट होती है ना लेडीज़ की खास तौर पर जब स्टार्ट होती है ना तो वो हटती नहीं है वो दरवाजे तक जाती है और दरवाजे के बाद भी ना ये हो रहा होता है आधा घंटा हम लटक के बात कर लेते हैं <laughs> नहीं लटक के कोई नहीं बात कर रहा था दरवाजे में होके, नहीं दरवाजे पर खड़ो के भी बातें चल रही होती है तो कहने का मतलब ये है मतलब कहने का वो मतलब है और हम दरवाजे तक जब तक छोड़ रहे होते हैं तब तक चलती रहती हैं कौन कौन इस पे एग्री करता है ज़रूर कमेंट करके बताएगा और खास तौर पर जो हॉट टॉपिक होते हैं ना वो उसी टाइम पे जब दरवाज़ा खुलता है और तभी याद आता है अरे अरे तुमने वो सुना अरे अरे ये हो गया मतलब हम यार बुराइयाँ नहीं कर रहे होते किसी के हम लोग बड़े अच्छे आ, क्या कहते हैं टॉपिक्स पे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। <laughs> अब सफाई दे सफाई नहीं, <laughs> नहीं नहीं सफाई नहीं दे रही मैं हकीकत बात है ये तो खैर हमारी बातें शाँें सारी हो चुकी थी हैं अच्छे से मिल भी लिए थे उसके बाद सी ऑफ किया और हमारी कज़न चली गई थी और उसके बाद फिर हमने चेक किया कज़न लेकर के आई थी ओ भाई वाह ज़बरदस्त वाली मिठाई लेकर आई थी हमारी फेवरेट वाली कच्चे गोले और साथ में गुलाब जामुन और ये हमारी आ, क्या थी तीनों चीज़ें हमें हमें बहुत पसंद बहुत अच्छा खैर वो है। चली गई थी केक अच्छा केक मैंने ना ज़्यादा क्वान्टिट्टी में बनाया था क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही थी बहुत महीनों बाद ये वाला बना रही थी अबू को बहुत पसंद है ये केक दही बड़े भी और क्या कहते हैं ये सारी चीजें भी ना मैंने काफी दिनों बाद बनाई थी तो ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में, में बनाई थी।, थी अच्छा यहाँ पर मैं केक का आपको टेक्सचर दिखा रही थी देखिए अभी ठंडा हो गया तो अब मैंने कट किया ना तो उस वक्त उसका टेक्सचर अलग था और ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर अलग है तो इसलिए हमेशा ठंडा करें अच्छे तरीके से उसके बाद आपने इसको सर्व करना है और यहाँ से आपको लग रहा होगा जल गया नहीं थोड़ा डार्क कलर का था जला हुआ नहीं था बिल्कुल के जला नहीं आ रही, थोड़ा कलर का हो गया जला हुआ नहीं है अच्छा हमारा दिन बहुत औसम वाला गया और कैसा लगा आज का आप लोगों को ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताएगा इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट के जरूर बताएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज